अलीगढ़ जिले के टप्पल ब्लॉक के गांव सारौल में एक स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया। ब्लॉक प्रमुख ऋषिपाल सिंह ने फीता काटकर इस स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। जिसके बाद बच्चों ने इस स्विमिंग पूल में नहाते हुए खूब आनंद उठाया। बेटा कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ठंडक हो रखी है? हाँ। ठंडा पानी होगा इसमें? हाँ। मजे आ रहे हैं। आपको बता दें कि सारौल गांव के रहने वाले रामकुमार चौधरी द्वारा इस स्विमिंग पूल का शुभारंभ किया गया है, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में क्षेत्र एवं गांव के ही अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हम तो गड्ढे में नहाने वाले खादर में गड्ढे खुदे रह गए। ये हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे बालक तरक्की कर रहे हैं, हमारे गांव में प्रोग्रेस रह रही है। स्विमिंग पूल खुलने दिन ब दिन तरक्की बढ़ती जा रही, तो हमें तो अपार खुशी है रही है। हमारे बुजुर्ग सब खुश है। एयरपोर्ट तरक्की तो हुई है। भाजपा की पार्टी है, हमारी पार्टी भाजपा की है, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि करी है गरीब जनता के लिए, क्षेत्र के लिए। जितने भी जेवर एयरपोर्ट से हमारे जमीन के रेट भी बढ़े हैं। क्षेत्र में जैसा विकास होना चाहिए, जरूरत थी समय के अनुसार, वो बहुत अच्छा है। संचालकों के लिए भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि क्षेत्र के बच्चे युवा जो भी चाहें अपना समय निकाल करके इसमें आनंद एंजॉय कर सकते हैं। अच्छी बात है, जगह जगह हमारे यहाँ ये स्विमिंग पूल चल रहे हैं, लेकिन ये साधन एक मनोरंजन का नहीं होना चाहिए। मेरा युवाओं से खास करके कहना चाहूँगा कि हम इसे एक अपना एथलीट का भी माध्यम बना सकते हैं, और जो हमारे देहात क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं वो वास्तव में, मैं तो ये चाहूँगा कि भारत अगर दोबारा अगर टोक्यो में ओलंपिक होता है तो भारत गोल्ड मेडल लाए, और वो प्रतिभा सारौल से भी हो सकती है, वो प्रतिभा हमारे क्षेत्र से भी हो सकती है, वो प्रतिभा हमारे भारत से भी हो सकती है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बच्चे नौजवान इसे सिर्फ अपना एक मनोरंजन का साधन नहीं बनाए, इसे अपना गेम के रूप में प्रकाशित करें, और अच्छी बात है, इससे व्यायाम होता है शरीर में, ऊर्जा उत्पन्न होती है। एयरपोर्ट आने के बाद क्षेत्र में विकास हुआ है, और फिर स्विमिंग करना एक गेम है और बच्चे की एक्सरसाइज करने का सबसे उत्तम तरीका है। बाकी जो संचालक हैं इसके, जो इसको बनाने वाले हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही दिशा निर्देश कहिए, इंस्ट्रक्शन कहिए कि इसके पानी की जरूर प्यूरिफिकेशन का जरूर ध्यान रखें।